वेलकम ऑन एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। सो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन। तो क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन से पहले हम कुछ आपको बताते हैं प्रीवियस के हमने अब तक क्या पढ़ा। जो हमने पढ़ा, जो हमारा टॉपिक है क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन, ये क्या होता है, ये टाइप ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। जो रिसर्च डिज़ाइन है वो बेसिकली टू टाइप की होती है, एक होती है क्वान्टिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन और एक क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन। तो जो क्वान्टिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन है उसको तो हमने ऑल ओवर कम्प्लीट कर दिया है, और आज का जो हमारा टॉपिक है ये रहेगा क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन। तो क्वांटिटेटिव ने हमें क्या कहा पढ़ा कि क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन टू टाइप के होते हैं, एक नॉन एक्सपेरिमेंटल और एक एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल के हमने टाइप को ऑल ओवर कंप्लीट कर दिया और नॉन एक्सपेरिमेंटल को भी। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा टाइप ऑफ रिसर्च डिज़ाइन के अंदर क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन। और जो क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन होता है ये बेसिकली इसको होता क्या है, मतलब क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन, क्वालिटेटिव का मतलब कहते हैं एक क्वालिटी, किसी आदमी की क्वालिटी, किसी भी पेशेंट की क्वालिटी को असिस करना, किसी की भी क्वालिटी को असिस करना, उसी को बोलते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन। तो जो क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन होता है, इसके इंट्रो के बारे में बात करते हैं। क्या होता है इंट्रो? होता है शॉर्ट, लेस, वेल डिफाइंड। मतलब कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन होता है वो एक शॉर्ट होती है, मतलब कि एक लंबे पैमाने पर हम एक बड़ा सैंपल नहीं लेंगे हम क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन के लिए। जब हम किसी भी आदमी की क्वालिटी को असिस करेंगे तो एक स्मॉल लेते हैं, मतलब शॉर्ट होता है। जो क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन होती है एक शॉर्ट होती है, लेस होती है और वेल डिफाइंड, और अच्छी तरीके से हम उसकी क्वालिटी को असिस कर सकते हैं किसी भी पेशेंट की, किसी भी फिनोमिना की, किसी भी फिनोमिना को डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक वेल डिफाइंड अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यही होता है क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन, शॉर्ट होती है, लेस होती है और उसको हम वेल डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद क्या होता है, इट इज़ एन एमरजेंट डिज़ाइन। ये एक एमरजेंट डिज़ाइन होती है। एमरजेंट का मतलब हम आपको आगे बताएं क्या होता है, बट और इसे एमरजेंट का मतलब क्या होता है, बेसिकली ये होता है कि अगर हम किसी भी फिनोमिना को, एक स्पेसिफिक चीज़ नहीं है कि भाई मुझको अपने, जैसे मैं किसी चीज़ के ऊपर भी स्टडी करूँ तो एक स्पेसिफिक पर्पज है कि सिर्फ मुझे इन स्टेप को फॉलो करना है। बट जो क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन होता है उसमें ये नहीं है, ये एक एमरजेंट फिनोमिना होता है। इसमें क्या होता है कि जैसा भी हमको, जब भी हम किसी आदमी की, किसी फिनोमिना की क्वालिटी को असिस करते हैं तो जो भी हमको ठीक लगे, जो भी रिसर्चर को ठीक लगे, वो उसी फिनोमिना को क्या कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है। ये नहीं कि भाई हमको एक स्टेप बाई स्टेप ही चलना है, कि किसी भी क्वालिटी के असिस करने के लिए हम कोई भी फिनोमिना नहीं यूज़ कर सकते। ये नहीं कि स्पेशली इसी फिनोमिना पे हमको करना है। तो ये होता है इट इज़ एन एमरजेंट डिज़ाइन। ये एक एमरजेंट डिज़ाइन होता है और शॉर्ट होता है, लेस होता है और वेल डिफाइंड होता है। इट मीन्स रिसर्चर मेक ऑन गोइंग डिज़ाइन। ये होता है एमरजेंट का। इट मीन्स क्या होता है, जो रिसर्चर होता है वो अपने, मतलब कि ऑन गोइंग डिज़ाइन के अपने विचार, अपने डिज़ाइन बदल सकता है। ये नहीं कि भाई एक ही फ्लो पे चलना है हमको। हमको किसी भी आदमी की क्वालिटी को असिस करने के लिए उसका एक स्पेसिफिक पर्पज नहीं है कि सिर्फ यही यही चीज़ उसको असिस करेंगे। जो भी हमको वो बताएगा या हम उससे कुछ भी पूछेंगे, जिस तरह से कहते हैं कि जब भी हम किसी चीज़ का इंटरव्यू या वाइवा लेते हैं तो उसके मतलब कि हर एक चीज़ को, ये नहीं कि भाई स्पेसिफिक चीज़ कि सिर्फ इसी चीज़ को ही पूछना है। हम उसको कुछ भी पूछ सकते हैं रिलेटेड टू रिसर्चर, रिलेटेड टू रिसर्च और जो पेशेंट होता है उसके रिलेटेड। तो यही होता है इट इज़ मीन रिसर्चर मेक ऑन गोइंग डिज़ाइन। इसका मतलब कि कोई सा भी डिज़ाइन एक्सेप्ट कर सकता है कि भाई ये नहीं कि स्पेशली इसी डिज़ाइन पर चलना। तो इसीलिए इसको एमरजेंट डिज़ाइन कहा गया है। इसके बाद क्या होता है, इट इज़ द स्टडी ऑफ सोशल साइंस फिनोमिना। ये जो क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन होता है ये क्या होता है, सोशल साइंस फिनोमिना। जो सोशली लोग हैं, जिस तरीके से कम्युनिटी है, एक कम्युनिटी के लोगों को, एक सोशल सोसाइटी के लोगों को क्या करना, उसके फिनोमिना को डिफाइन करना, उसके फिनोमिना को डिस्क्राइब करना, एक्सप्लोर करना। तो ये होता है इट इज़ द स्टडी ऑफ सोशल साइंस फिनोमिना। ये एक सोशल साइंस फिनोमिना की स्टडी को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। और डिस्क्रिप्शन इन नरेटिव, और जो भी हम, क्या नाम, जो भी हम, जो क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन है, जो भी हम रिसर्च करते हैं वो एक नरेटिव फॉर्म में लेते हैं। क्वांटिटेटिव में क्या आता है, एक न्यूमेरिकल फॉर्म में लेते हैं कि इतना है, वेट, नंबर के फॉर्म में। बट ये एक क्या होता है, ये एक नरेटिव फॉर्म में होते हैं। जो इसको डिस्क्राइब करते हैं ये नरेटिव फॉर्म में करते हैं। यूज टू डेवलप थ्योरी, इससे हमको क्या मिलता है, इससे हम डेवलप कर सकते हैं थ्योरी। हमको बहुत सारी थ्योरी मिल सकती है क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन की मदद से। इसके बाद क्या होता है, स्मॉल सैम्पल साइज। जो भी हम स्टडी करेंगे, जो भी हम पेशेंट के फिनोमिना को डिस्क्राइब करेंगे, वो स्मॉल साइज सैंपल होगा। कि यो नहीं कि हमने 100 बंदों का, अगर मान लो एक कम्युनिटी में 1000 बंदे हैं और हमको 100 बंदों के फिनोमिना को डिस्क्राइब करना है, क्वालिटेटिव रिसर्च को असिस करनी, उसकी क्वालिटी को असिस करनी है 100 बंदों की, तो हमको बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए जो क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन होता है, स्मॉल साइज सैंपल, हम एक दो ही पेशेंट का नाम, एक दो ही बंदे का क्या करते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, ताकि हम जान सके एक दो का, अगर एक या दो बंदा होएगा तो उसका हम अच्छे तरीके से उसके फिनोमिना को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर 100 बंदे हैं तो 5 मिनट इसके लिए, 5 मिनट इसके लिए, तो इसमें अच्छे तरीके से उसकी क्वालिटी को नहीं असिस कर पाएंगे। तो यही होता है स्मॉल साइज सैंपल। जो हम इसमें सैंपल यूज़ करते हैं वो स्मॉल साइज सैंपल होता है,
लेस जनरलाइज, और इसको हम लेस जनरलाइज मतलब दूसरों पे भी हम इसको बहुत ही कम पहुंचा पाते हैं, लेस जनरलाइज कर सकते हैं। और टाइम कंज्यूमिंग, जब भी हम किसी आदमी की क्वालिटी को असिस करते हैं, आप अगर मेरे बारे में जानोगे तो मेरे पास आओगे, मुझसे बातचीत करेंगे, मेरे इंटरनल एक्सटर्नल सब एकदम एक्यूरेटली, मतलब कि अगर आपको मेरी क्वालिटी को असिस करना है तो आपको बहुत टाइम लगाना पड़ेगा, तो इसलिए टाइम कंज्यूमिंग होता है। क्योंकि तो किसी भी आदमी की, अगर आपको मेरा वेट मनापना है, अगर आपको मेरी एज या वेट को देखना है, मेजर करना है, तो आप 2-4 मिनट में ही कर लेंगे। अगर आप मेरी क्वालिटी को असिस कर रहे हैं तो इसमें टाइम कंज्यूमिंग, तो इसमें बहुत टाइम लगता है। तो इसीलिए जो क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन होता है ये टाइम कंज्यूमिंग होती है। फ्लेक्सिबल एंड इलास्टिक, फ्लेक्सिबल मतलब ये क्या होता है कि जिस तरीके से मुड़े, मतलब कि मान लो मैंने बताया कि एक एक स्टेप के बाद नहीं, जब भी हमको जैसा अच्छा लगे, जो रिसर्चर है उसको जैसा भी अच्छा लगेगा वो उसी तरीके के क्वेश्चन पुट अप कर लेगा पेशेंट से। तो यही होता है, ये एक फ्लेक्सिबल एंड इलास्टिक होती है। इंटेंस रिसर्चर इन्वॉल्व, और जो रिसर्चर है, जिस तरीके से मैं रिसर्चर हूँ और मुझको किसी भी सोसाइटी पे, किसी भी आदमी पर, पेशेंट पे रिसर्च अप्लाई कर दिया है, तो मेरा इंटेंस अच्छा होना चाहिए। इंटेंशन रिसर्चर इन्वॉल्व, अगर मेरा इंटेंस अच्छा होगा आपके प्रति, आपकी क्वालिटी को असिस करना, तो मुझ में मतलब घुल मिल के करना है काम को। ये नहीं कि भाई मेरा इंटेंशन अच्छा नहीं है और तुम्हारा अच्छा है, तो या आपका अच्छा इंटेंशन नहीं है अपने बारे में बताने का मुझके लिए, या मेरा इंटेंशन अच्छा नहीं है आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए, तो इसमें क्या हो, डिसबैलेंस हो सकता है। तो इंटेंशन भी रिसर्चर का बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से इंटेंशन होएगा तो आप अच्छी तरीके से अपनी क्वालिटी को मुझको बता पाएंगे, मैं आपकी क्वालिटी को अच्छी तरीके से असिस कर पाऊंगा। तो ये होता है इंटेंशन रिसर्चर इन्वॉल्व, इसके जो रिसर्चर का इंटेंशन है वो भी अच्छा से इन्वॉल्व होना चाहिए। इसके बाद क्या होता है, मल्टीपल स्ट्रेटजी फॉर डाटा कलेक्शन। जिस तरीके से मैंने कहा कि क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन में क्या है कि आपकी क्वालिटी को असिस करना है रिसर्चर को, मैं रिसर्चर हूँ, मैंने आपकी क्वालिटी को असिस करा, तो हम कौन से मेथड से हम क्या करते हैं आपकी क्वालिटी को असिस करेंगे, तो इसमें क्या होता है मल्टीपल स्ट्रेटजी ऑफ डाटा कलेक्शन। जो आपकी क्वालिटी, आपका डाटा लेना है मुझसे, उसके मल्टीपल स्ट्रेटजी है कि कोई बहुत सारी स्ट्रेटजी बनाई गई है डाटा कलेक्ट करने के लिए, आपकी क्वालिटी को असिस करने के लिए बहुत सारे डाटा है। मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन के कौन से ऐसे मेथड है, बहुत सारे मेथड बताए कि बहुत सारे मेथड से हम आपकी क्वालिटी को असिस कर सकते हैं। तो बात करते हैं मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन के कौन से मेथड से हम आपकी क्वालिटी को असिस करेंगे। फर्स्ट होता है इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू क्या है कि फेस टू फेस बात करके आप मुझसे बातचीत करेंगे, मैं आपका नाम पूछूंगा, आपकी रिलीजन पूछूं, आपकी फैमिली पूछूं, कितने मेंबर है, आपकी हर एक क्वालिटी को असिस करना है, तो मुझको आप इंटरव्यू मेथड, ये भी बेस्ट मेथड होता है डाटा कलेक्शन के लिए। आप मुझसे कुछ चीज़ पूछो तो आप फेस टू फेस पूछोगे तो बहुत ही अच्छा मेथड माना जाएगा इंटरव्यू मेथड। दूसरा क्या होता है, रिटर्न मेथड। फर्स्ट होता है इंटरव्यू मेथड, सेकंड होता है रिटर्न मेथड। रिटर्न मेथड में क्या होता है, अगर आपसे डाटा मुझको असिस करना है तो रिटर्न मेथड भी दूसरा है। रिटर्न मेथड में क्या होता है कि मैंने आपको कोई क्वेश्चन वगैरह दे दिया कि आप कहाँ पर रहते हैं, तो आप बता देंगे रिटर्न फॉर्म में लिख के कि मैं यहाँ पर रहता हूँ, या आपसे मैंने कोई भी पूछ लिया कि आपकी एज क्या है, आप कहते 20 एज लिख के दे दिया आपने। तो ये होता है जिस तरीके से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, इसी तरीके से आता है रिटर्न मेथड। यह रिटर्न मेथड इस तरीके से बोल सकते हैं कि मैंने आपको 100 लेके अपनी लाइफ के बारे में लिखो, अपनी लाइफ के बारे में बताओ मुझको, अपनी पूरी क्वालिटी बताओ, आप रिटर्न फॉर्म में लिख रहे हैं, जिस तरीके एस से बनाते हैं या लेटर फॉर्म में लिखते हैं, उसी तरीके से बोलते हैं रिटर्न। तो ये भी एक बेस्ट मेथड होता है डाटा कलेक्ट करने का, क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन के अंदर डाटा कलेक्ट करने का ये भी एक अच्छा डिज़ाइन वो होता है, मतलब डाटा टूल होता है, मेथड होता है डाटा कलेक्ट करने का, रिटर्न इंटरव्यू। थर्ड होता है ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या होता है कि आप बैठे हो यहाँ पर और मैंने आपको सिर्फ ऑब्जर्व कर लिया, आपको देख के ऑब्जर्व करना, जिस तरीके से अगर कोई भी एक्सीडेंट वगैरह, रोड पर एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं तो आदमी को हम देख के पहचानते हैं इसको यार कितनी चोट लगी हुई है, इसको क्या हो सकता है। जिस तरीके से कि अगर एक रोड एक्सीडेंट है और वहाँ पर किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो पड़ा है वहाँ पर, तो हम दूर से देख के बता लेंगे कि यार इसको ये जो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऑब्जर्वेशन मेथड भी एक बेस्ट मेथड होता है किसी भी क्वालिटी को असिस करने के लिए। एक होता है ऑब्जर्वेशन, और एक होता है रिटर्न मेथड, एक होता है इंटरव्यू मेथड। इसके बाद क्या होता है, टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन। तो हमने बताया कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन होता है, इसको बताया कि क्या क्या स्टेप होते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन के अंदर, कौन कौन सी एबिलिटी होती है क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन के अंदर। इसके बाद क्या, टाइप के कौन कौन से टाइप होते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन के। जिस तरीके से हमने बताया क्वांटिटेटिव में एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल, इसी तरीके एक्सपेरिमेंटल का टाइप बताए, ट्रू एक्सपेरिमेंटल, क्वासी प्री, इसी तरीके नॉन एक्सपेरिमेंटल के बताए, इसी तरीके से ये है क्वालिटेटिव के भी कुछ टाइप्स है, उसको बोलते हैं। फर्स्ट होता है फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च डिज़ाइन। फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च डिज़ाइन ये एक टाइप होता है, इसको जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें ऑल ओवर आपको बिल्कुल फुल्ली एक्सप्लेन करके देखेंगे फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है। एक होता है एक्शन रिसर्च डिज़ाइन, एक होता है केस स्टडी, एक होता है हिस्टोरिकल रिसर्च डिज़ाइन, एक होता है ग्राउंडेड थ्योरी, और एक होता है इथनोग्राफिक रिसर्च डिज़ाइन। तो यही आपका कंप्लीट हुआ।
क्या कंप्लीट हुआ? क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन। क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन किसका टाइप होता है? टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन क्या होता है? एक ब्रॉड होता है, एक ब्लू प्रिंट होता है किसी भी नक्शे को तैयार करने का। जिस तरीके से कोई भी नक्शा बनाना है, नक्शा बोल सकते हैं इसको, कोई भी मकान बनाना है तो उसके लिए पहले हम नक्शा तैयार करते हैं, इस तरीके से काम करना है। तो वही होता है, एक ब्लू प्रिंट होता है रिसर्च डिजाइन, और ब्लू प्रिंट का ही रिसर्च डिजाइन का टाइप होता है क्वालिटेटिव, और एक क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव कंप्लीट करा दिया, तो क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का इंट्रोडक्शन हमने बताया आपको, क्या क्या स्टडीज होने थे क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन के अंदर, उसके टाइप बताए। टाइप को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि टाइप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन क्या होता है। तो ये 6 टाइप है, एक एक टाइप को हम क्या कर रहे हैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें कंप्लीट कराएंगे कि फिनोमोलॉजिकल रिसर्च डिजाइन क्या होता है, हिस्टोरिकल रिसर्च डिजाइन क्या होता है, ग्राउंडेड थ्योरी क्या होता है, ये सब कवर अप कराएंगे। तो यही आपका आज कंप्लीट हुआ, क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन और टाइप ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन। थैंक यू।